इसी क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन ने महिला को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर सबका पोस्टमार्टम कराया है। घटना थाना कृष्ण क्षेत्र के ग्राम खेदरपुर के पास की है। यहाँ इटावा मैन फ्री हाईवे पर अज्ञात वाहन ने 50 वर्षीय सत्य देवी पति शोभाराम व सुनीता देवी पत्नी भारत सिंह को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें सतपति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घायल सुनीता देवी को स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र किस्ती भेजा गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए आगरा रेफर कर दिया गया। घटना बीती देर रात की है। सत्यपति सुनीता और एक अन्य महिला घर में प्रसव पीड़ा से परेशान महिला के लिए गाँव की रहने वाली ANM को लेने जा रही थी, तभी पीछे से आ रहे अनियंत्रित और तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने दोनों महिलाओं को रौंद दिया। घटना की जानकारी जब परिजनों को हुई तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर सबका पोस्टमार्टम कराया है। वहीं घायल को उपचार के लिए आगरा रेफर किया गया है। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश जी, क्या मामला है पूरा? जैसे ही रोड चढ़ी थे पीछे से अज्ञात बैन जो है मुझे ठोकर मार गया, तो वहाँ पे सत्यपति कौन स्पॉट ही खत्म हो गए और वो लेडीज और सुनीता देवी थी वो हॉस्पिटल किसमें गई अस्पताल है, वहाँ से उनको दवा दे दिया गया। अच्छा, डेढ़ बजे के आसपास की। सियासी गलियारों से लेकर राजनैतिक पार्टियों से जुड़ी ताजा अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर, अभी इंस्टॉल करें